वेलकम टू अरुंधति सेनापति चांदनी। सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और बेल आइकन को भी दबाना मत भूलिएगा ताकि आपको आगे की नोटिफिकेशन मिलेगी। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। अभी हम लोग जा रहे हैं एक जगह पे। कहाँ पे जा रहे हैं अभी आपको नहीं बताऊंगी, डायरेक्ट मैं आपको लेके जाऊंगी उस जगह पे, ठीक है। कितना सताती है
सताती है याद तुम्हारी जब जब मुझको आती है आती है हार मोर कोणा माणिक सनह फूल तो अमूल मूल तो दुखी राधन तो भक्तर मन तो तते रखिबाकु लोड़ा खाली भाव सिंधु हार मोर कोणा माणिक छिंडे पारिनु खुआ दौड़े केमिति टेकिलु गोवर्धन गिरे माँ कौन लुचु अंधार कुडरे गलिया दलन कलु किपरे मुकति मार्ग तु पुनर स्वर्ग तु विपदे सहतु आपदे आहतु तते बुझिबाकु लोड़ा खाली भक्ति दिगत हार मोर कोणा माणिक पानी पारिलानी राधाराय लोह केमिति बांधिला खुद भजन कह द्वारिका राजा सही मुरली धुर सारथि साजिलु अर्जुन रथर अंधर आखि तु धर्मर साक्षी तु आनंद धारा तु हृदय हीरा तु गौ बेले लेखा सोर महाजातक हार मोर कोणा माणिक Thank you.
Yeah.
तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा? डेफिनेटली आपको अच्छा लगा होगा, मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा। इतना अच्छा फील हुआ कि मैं बता भी नहीं सकती हूँ इन लोगों के बीच। और अभी हम लोग रिटर्न कर रहे हैं हमारा घर, तो थैंक यू सो मच। तो फ्रेंड्स, आप लोगों ने देखा इस बच्चों की लाइफ, इनके पास ना माँ है, ना बाप है, ना भाई है, ना बहन है, फिर भी हर एक छोटी छोटी चीज़ों में इनको खुशियाँ ढूंढना अच्छा लगता है और खुशियाँ को ढूंढ के ही रह जाते हैं। हमारे पास सब कुछ होते हुए भी हम लोग कितना दुखी है, और इन लोगों के पास कुछ ना होने के बावजूद ये लोग कितना खुश है ना। इन लोगों से बहुत कुछ सीखना चाहिए हम लोगों को। हम हर दिन हर पल इसी सोच में बिताते हैं कि उसके पास ये है, मेरे पास क्यों नहीं है, जेलोसी, बहुत सारे चीज़ें। लेकिन इनके पास कुछ ना होने के बावजूद ये बहुत खुश है, क्योंकि इनको छोटी छोटी खुशियाँ में, छोटी छोटी चीज़ों में खुशियाँ ढूंढना आता है, जो कि हम आम इंसान को नहीं आता। फ्रेंड्स, अगर ज़िंदगी में आपको कभी ऐसा लगा कि मेरे पास कुछ भी नहीं है, मेरे पास ये नहीं है, मेरे जीने का कोई सहारा नहीं है, मेरे जीने का कोई मतलब ही नहीं है, तो एक बार ज़िंदगी में इनके पास जाके देखिए, आपको उम्मीदें मिल जाएगी ज़िंदगी में जीने के लिए। इन लोगों से सीखिए ज़िंदगी को कैसे जीना चाहिए, कुछ ना होने के बावजूद किस तरह से खुश रहना चाहिए, इनसे सीखिए। इनके पास ना माँ है लोरी सुनाने के लिए, खाना खिलाने के लिए, ना बाप है इनको बाजार लेके खिलौना खरीदने के लिए, ना बहन है प्यार जताने के लिए, ना एक भाई है दोस्ती निभाने के लिए। फिर भी कुछ ना होने के बाद भी ये बच्चे, ये मासूम बच्चे ज़िंदगी को जीना सीख गए, ज़िंदगी को बहुत ही करीब से देखा, ज़िंदगी को प्यार करना सीख गए हैं, जो हम लोग नहीं कर पाते। हमारे पास सब कुछ होते हुए भी हम दिन भर रोते रहते हैं कि हमारे पास कुछ भी नहीं है, पर हमारे पास सब कुछ होने के बाद भी हम लोग ऐसा सोचते हैं। लेकिन उन बच्चों के पास कुछ ना होने के बाद भी वो हम लोग के जैसा रोते नहीं हैं, हंसते हैं, हंसाते हैं, एक दूसरे को प्यार जताते हैं। क्या हमें इन बच्चों से कुछ सीखना नहीं चाहिए? बहुत कुछ सीखना चाहिए इन छोटे छोटे बच्चों से, जो आज तक हम अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं सीख पाए किसी और से। आज इस जगह को जाके मैं इतना खुश हुआ और अपने दिल को इतना, मतलब ठंड मिली, इतना अच्छा फील हुआ मुझे कि मैं आपके सामने बयां भी नहीं कर पा रही हूँ। एक जो उम्मीदें होती है ना, एक जो ज़िंदगी में कभी कभी लगता है कि क्या यार, ये तो ज़िंदगी ख़त्म हो गया, यहाँ पे मेरे पास कुछ भी नहीं, उसको सामने वालों को हम देख के हमेशा सोचते हैं, अरे भाई इसके पास गाड़ी है, मेरे पास गाड़ी नहीं, इसके पास घर है, मेरे पास घर नहीं, इसके पास ये आ गया, मेरे पास ये नहीं है। पर क्या है इन बच्चों के पास? क्या है? कुछ भी तो नहीं, फिर भी ये लोग कितना अच्छे से रहते, कितना खुश है, कितना ज़िंदगी को, इतना, मतलब हर एक छोटी छोटी चीज़ों में खुशियाँ ढूंढने में माहिर है ये लोग। इनसे हमें सीखना चाहिए, बहुत कुछ सीखना चाहिए। और आप सबको एक रिक्वेस्ट है, ज़िंदगी में एक बार हम बर्थडे में, एनिवर्सरी में फॉरेन टूर करते हैं, बहुत सारे मतलब गिफ्ट्स लेते हैं अपने हस्बैंड के लिए, अपनी वाइफ के लिए, अपने बच्चों के लिए, लेकिन
एक बार अपनी ज़िंदगी में अपने बच्चों के साथ या फिर अपनी फैमिली के साथ, इन बच्चों के साथ सेलिब्रेट कीजिए आपका एक अहम दिन। और मैं ये श्योरिटी आपको देती हूँ, वो दिन आपके लिए सबसे ख़ास दिन होगा। जो आज मेरे साथ हुआ वो आपके साथ भी होगा, डेफिनेटली फ्रेंड, डेफिनेटली। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। पूछ ले तो मेरे हस्बैंड से, उनको कैसा लगा? और हमें जाके बहुत अच्छा लगा, यानी बहुत खुशी महसूस हुआ। और दिन आज संडे का दिन में वीकेंड जो होता है वो इधर उधर घूमते रहते हैं, पर आज का दिन मुझे लगा कि आज का दिन बहुत क्या अच्छा गया। और क्या बोलूँ, और ये जो ऑर्फनेज को देख के तो आँखें, उनका टैलेंट, उनका ये जो टैलेंट वगैरह देख के तो आँखों में पानी भी आ गया। और कुछ नहीं, दिल को बहुत सुकून महसूस हुआ, दैट्स इट। आप सबको क्या मैसेज देना चाहते हैं? एक बार ज़िंदगी में जाना चाहिए सबको अपन। मैं एक मैसेज ये देना चाहता हूँ कि जो भी ज़िंदगी में, तो डेली की लाइफ में हम लोग बहुत सारे टाइम में बहुत बिजी रह जाते हैं और हम लोग काम टाइम निकल नहीं पाते कि ये सब चीज़ें देखने के लिए। पर मैं ये सजेस्ट करता हूँ कि ज़िंदगी में एक बार ऑर्फनेज और जो ये होता है ओल्ड एज होम्स, ये जो होता है ना, वहाँ पर जाइए, कुछ एक घंटा या कुछ मिनट भी बिताइए ना, दिल को बहुत सुकून मिलता है। थैंक यू वेरी मच, कीप वॉचिंग। तो आई होप आज का ये वीडियो आप लोगों को, सबको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो सब अच्छा लगना चाहिए, शेयर भी करना, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लेना हमारे चैनल को, और जाते जाते एक लाइक भी दे के जाना, ठीक है? थैंक यू वेरी मच, कीप वॉचिंग आवर चैनल, नॉट डोंट फॉरगेट टू शेयर एंड लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच, कीप वॉचिंग, बाय बाय बाय।